Assalamualaikum guys, welcome back again to our channel Pakistani Bengal Bengal reaction. So guys, my name is Hassan Nasir and I am Ahmad Latif. And today's video title is Khulna City. Cinematic video जो है ये बनाई गई है बहुत जो है ना इसमें थंबनेल से मैं बहुत जबरदस्त ये वीडियो का जो है ना व्यू नजर आ रहा है कि बहुत जबरदस्त होने वाली है। हमने रिसेंट भी कई सिटीज पे रिएक्शन दिए, सिलहट हो गया, ढाका हो गया, चिटागंग हो गया और जो है ना थोड़े बहुत और बहुत ज्यादा सिटीज भी हमने रिएक्शन गाइज नहीं दिए। हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो सजेस्ट कर दें जो अच्छे अच्छे सिटीज आपकी हैं और उन पे भी जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं वो वीडियोस हमें सजेस्ट करें ताकि हम जो है ना अपना इस पे रिएक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकें। और काफी देर से इस पर काफी आ रहा था कमेंट सेक्शन में, क्या क्यों आप लोग खुलना सिटी पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? तो मैंने कहा आज दे ही देते हैं। बिल्कुल, एक खुलना सिटी से रिलेटेड आई थिंक कुछ हमने रिएक्शन दिया था पहले, लेकिन ये एक अलग वीडियो है और एक अलग वे से हम खुलना सिटी को देखेंगे और जो है ना एक मजेदार, मुझे तो थंबनेल से बहुत मजे का जो है काफी अच्छा व्यू नजर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ हसन बहुत मजा आने वाला है, विदाउट एनी डिले काउंटिंग के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट। अच्छा मीनार काफी खूबसूरत था ना, वो जो ऊपर से टिप है उसकी मीनार की, ये चौक है इनका। चौक हमारे यहाँ फवारे चौक बहुत, फवारा चौक ये कोई ओल्ड म्यूजियम टाइप बिल्डिंग लग रही है मुझे, डिविजनल। ओके, कोई डिविजनल म्यूजियम, म्यूजियम ही है मेरा गैस। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान सैल्यूट। ये काफी बड़ी बिल्डिंग ओ, है, सिटी इन, ये होटल है शायद मुझे लगता है ना। ओ माय गॉड, इधर भी काफी ग्रीनरी मौजूद है, ग्रीनरी। ये ओपन टाइप, ओपन एक्सेल में है रेस्टोरेंट था जो ओपन होकर रूफ टॉप होते हैं ना, मजेदार लग रहा था। व्हाट इज दिस साइड पर आपने देखा था काफी वो उन्होंने, हां ग्रीनरी जबरदस्त सा लिखा हुआ था हिस्ट्री के बारे में, ये हसन बांग्लादेश के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या, रेलवे स्टेशन? ये रेलवे स्टेशन, ओ जबरदस्त, काफी अच्छा अच्छा बनाया गया, डिसेंट है, प्रीटी डिसेंट रेलवे स्टेशन। आई थिंक अभी इन्होंने बनाया, पहले अंग्रेज बना के जाते थे, लेकिन काफी अच्छा बना हुआ है सन। डिजाइन चेक करो ना, जैसे आप ये देखो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाइस हमारा, हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उधर भी रेलवे स्टेशन है 1850s का, वो भी अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने। ये है स्टेडियम, खुलना स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्टेडियम स्टेडियम ओ बंगाल टाइगर, टाइगर ट्राइंगल टाइप था ये तो चौक ना। अरे ये यहाँ से व्यू चेक करो, ओ आ गई लेक, मतलब वो आ गया पॉन्ड टाइप, ये लेक आ गई, रिवर, ये देखो रिवर है सर। इसके बगैर कोई सिटी है ही नहीं बांग्लादेश का, सही बात है। विदाउट वाटर जो है ना, वाटर एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे मौजूद है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा इस सिटी को सेपरेट कर, हाँ ये मोस्टली हमने सिटीज के अंदर हसन देखा है, KUET यहाँ की फ्यूट है जी, यूनिवर्सिटी का नाम है, इधर ये भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी होगी जरूर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, उनका स्केचेस किए हैं, काफी अच्छे लगे। खुलना यूनिवर्सिटी, ये कोई गवर्नमेंट, खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमने जज कर लिया है जी, यही नाम होगा कंफर्म। हां उसका स्टैंड्स फॉर है ना, KUET था, मजेदार। अच्छा ये ब्रिज आ गया, ब्रिज भी आ गया, ओ शिप, बड़ी फास्ट स्पीड से जाते हुए, यहाँ भी ब्रिज है काफी बड़ा सर, ब्रिजेस की लाइन लगी हुई है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश ब्रिजेस के रिवर्स कैनाल्स ज्यादा हैं, लेक्स हैं तो। हाँ ये हाईवे पे तो नहीं जा रहा, हाँ ये टोल प्लाजा आ गया जी, टोल प्लाजा आ गया जी, पैसे दे होते हैं। सराउंडिंग में देखो पानी की, मतलब जमीनों को पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, ये पानी मतलब पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है सर, पानी बहुत। गाइस वीडियो एंड हो गई यहाँ पे, पानी असर वाकई बहुत ज्यादा है बांग्लादेश के अंदर, हर सिटी के अंदर हम जिस सिटी पे रिएक्शन दें हमें दरमियान में लेक्स कैनाल इस तरह की चीज़ें नजर आती ही आती हैं। जब अच्छा मजे की बात, हमने मोस्टली जो सिटी स्ट्रक्चर हैं बांग्लादेश के अंदर ऐसे ही देखे हैं कि वो दरमियान से लेक गुजरती है कोई और सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ढाका देख लें जो मर्जी सिटी देख लें। यही चीज जो है वो काफी अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, फॉरनर्स को, यहाँ आते हैं। सबसे बेहतरीन जगह जो मुझे लगी अभी तक वो कॉक्सिस बाजार लगी, कॉक्सिस बाजार बीच बहुत जबरदस्त है, लॉन्गेस्ट बीच है, रिसॉर्ट्स बड़े अच्छे हैं उधर, तो वो मुझे काफी जगह अच्छा। इस वीडियो के अंदर मुझे सबसे जबरदस्त जो चीज लगी है वो इनका रेलवे स्टेशन है सर, ठीक है, रेलवे स्टेशन काफी डिसेंट बनाया गया था और उसे मतलब अपर फ्लोर डबल या ट्रिपल स्टोरी था,
हालांकि हमारे कंट्री के अंदर ऐसे जो है ना रेलवे स्टेशन नहीं होते मोस्टली, बड़े सिटीज के अंदर हो सकते हैं लाहौर कराची हमारे, वैसे सिंगल स्टोरी भी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं सिर्फ टिकट देने के लिए ना एक वो बना देते हैं कि भाई यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर जैसी बिल्डिंग बनी हुई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अंदर से भी दिखाया जैसे ग्लोब टाइप, जैसे मतलब जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था कि मतलब उनकी एक सोच थी कि इसको यूनिक और अच्छा बनाया जाए, उन्होंने बनाया इसलिए मज़ेदार लगा। जो टॉम टाइप था ना वो हाँ, ऊपर काफी मज़ेदार लगा, काफी अच्छा लगा था, मज़े का सीन लग रहा था। तो गाइस हमें ये ज़रूर बता दें कि ये जो रेलवे चल रही है बांग्लादेश के अंदर, ये जब ब्रिटिश रूल हुआ था तब की यही बनी हुई है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी तब की ही बनी हुई है, उन्होंने आगे रेलवे लाइन बिछाई थी। हमें ये जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं मेरे भी जहन में हमारा ये क्वेश्चन आ रहा था जब मैंने बताया कि जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं बिल्कुल उस सिटी के अंदर भी हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो 1850s का है और वो काफी पुराना है, और उधर अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ 1850s लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स तब की बनी हुई हैं सर, उसके बाद पुरानी बिल्डिंग है, उसके बाद बनी नहीं है तब से बनी हुई है। क्वेश्चन आपने अच्छा रेस किया हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों को बिल्कुल, कि वो हमें बताएं कि ये जो बिल्डिंग है ये इन्होंने खुद बनाई है या अंग्रेजों ने तोहफा दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात। बाकी इस सिटी के अंदर हमें बहुत ज्यादा टालेस्ट बिल्डिंग्स नजर नहीं आई जैसे हमें ढाका के अंदर नजर आई थी, सिलेट के नजर में, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बिल्कुल ऐसी है और सिटी है राजशाही, उसके साथ आप देख ले मौलवी बाजार देख ले, उसके साथ आप काफी हैं। तो लेकिन ये ओवरऑल यार डिसेंट और अच्छा सिटी, मैं कहता हूँ ये जो है ना मजेदार किस्म का था। अच्छा, इसकी अपनी वाइब है, वाइब मतलब अलग मजा आप आया। देख लें आप भावलपुर जाते हैं गाइस, अगर आपको नहीं पता भावलपुर भी ऐसे ही सिटी है खूबसूरत हमारे बिल्कुल यहाँ पे नियर बाय सिटी है, तो उधर आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखे, नहीं देखे बिल्कुल है, सिटी काफी वेल डेवलप है। इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश का एवरी सिटी जो है उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की यूनिक चीज जरूर है कि बंदा देख के उससे इंप्रेस होता है कि यार ये सिटी भी जो है काफी डेवलप हो रहा है ऐसा ऐसा, बेशक वो स्मॉल सिटी ही क्यों ना हो बांग्लादेश का, लेकिन उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की बिल्डिंग जरूर नजर आएंगी या फिर ग्रीनरी लेक्स और ब्यूटी, और जब ब्यूटी इस तरह की होगी रिवर्स होंगे कैनाल्स होंगे तो ब्रिजेस ऊपर हसन ऑटोमेटिकली बनने ही बनने हैं, ठीक है ना, वो जरूरत है वो नीड है, तो फिर और ब्यूटी में इजाफा हो जाता है। अमाद एक चीज जो है वो काफी कॉमन होती है, ये वीडियो थी 2-3 मिनट्स की लगा लें आप गालिबन अप्रोक्सीमेटली इतने की थी, और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी ना असल में, 100 से ज्यादा भी वीडियोस एक सिटी पर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की भी बनाते हैं, तो आप सिटी को कवर नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल हसन ने दुरुस्त कही है। इंशाल्लाह अगर आप ढाका की आप सिलहट चिटागोंग राजशाही मौलवी बाजार जितने भी सिटीज हैं और सिटीज अनलिमिटेड सिटीज हैं जिनका हमें नहीं पता, रुपायन सिटी और भी काफी सिटी, तो उनके अगर आप लिंक्स देते रहेंगे हम रिएक्शन देते रहेंगे, हर वीडियो में यूनिक चीज होती है, अलग चीज नजर आती है, इस वीडियो में ऐसा अलग चीज नजर आई है, जो ओल्ड वीडियो थी उसमें एक अलग दुनिया और एक अलग वर्ल्ड अलग सिटी नजर आया था, इसमें अलग एंगल से इसको दिखाया गया, बहुत मजे का लगा, काफी खूबसूरत सिटी था। तो गाइज यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया हमारे साथ तो वीडियो को लाइक और चैनल को ये सब्सक्राइब कर, ये रेड कलर का ये बटन है सब्सक्राइब का, इसको ठोक दो गाइज ठोक दो, ठीक है, तो अपना रखिएगा ख्याल, 5 वक्त की नमाज भी गाइज जरूर अदा किया करें, ठीक है, और हमारे लिए सब मुसलमानों के लिए भी दुआ जरूर करें, दुआ कीजिए, अभी मगरब की नमाज होने वाली है, अजान होना स्टार्ट हो गई है, तो हम इंशाल्लाह जाकर पढ़ेंगे, आप भी लोग पढ़िए, तो अपना रखिएगा ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा मैं हसन आसर और अमाद लतीफ होंगे आपके सामने हाजिर, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।